नमस्कार, समय तो प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। जी हां, तेल की लगातार बढ़ती कीमतों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी सरकार को घेरा है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस की राह पर चलने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही होगा। मायावती ने कहा कि महंगे तेल पर बीजेपी लाचार है और ये सरकार पूंजीपतियों की मदद कर रही है लेकिन तेल को सस्ता नहीं कर रही। उधर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। लखनऊ के लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आइए सुनाते हैं आपको। इस तरह से बढ़ेगी तो फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हम लोग हैं सैलरी बेस पे, ठीक है। तो सैलरी बेस वाले क्या है कि हमारा एक फिक्स अमाउंट होता है कि हमें इतने में घर चलाना है, ठीक है। तो घर चलाना तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जो बात सही है। तो आम जनता है कि सरकार से उम्मीदें लगाए बैठी है लेकिन सरकार ने फिलहाल एक्साइज ड्यूटी कटौती से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र और कुछ राज्य सरकार इस तरह का कदम उठाकर उससे होने वाले संभावित राजस्व घाटे को उठाने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28 सितंबर को तय है लेकिन बैठक के एजेंडे में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं है, यानी कीमतों के विरोध को लेकर सरकार परेशान नहीं है। इससे पहले वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया था कि पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उधर पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अब सोशल मीडिया पर भी जंग शुरू हो गई है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के कारण विपक्षी हमले झेल रही बीजेपी ने सोमवार को एक ग्राफ ट्वीट किया जिसके जरिए यूपीए सरकार और एनडीए सरकार में पेट्रोल डीजल के दामों के अंतर को बताया गया। बीजेपी ने इस अंतर को ग्राफ के जरिए समझाया लेकिन जिस तरह समझाया उस तरीके पर बीजेपी ही फंस गई। बीजेपी को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने लगा और कांग्रेस ने भी इसको तुरंत ही लपक लिया। उधर बैंकों के डूबे कर्ज को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का एक बड़ा बयान आया। मुरली मनोहर जोशी की अध्यक्षता वाली संसद की प्राकलन समिति को भेजे गए जवाब में राजन ने बताया कि घोटाले की जांच में देरी और फैसले लेने में देरी की वजह से बैंक का कर्ज डूब बढ़ता चला गया।